दोस्तों स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज हम ले गए हैं ईजी लाइव का सीपी प्लस का ईजी लाइव 4G कैमरा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सीपी प्लस का ईजी लाइट अनबॉक्सिंग कैमरा। अभी हमने कैमरे को बाहर निकाल लिया है। ये सीपी प्लस के ब्रांड का है सब कुछ। तो ये इसका लेंस है और ये इसके साथ इसकी डाटा केबल आती है। USB टाइप डाटा केबल होती है इसकी और ये इसका 12 वाट का अडप्टर रहता है। और इसके साथ इसके स्क्रू हैं इसके, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका लैन पोर्ट है। वाईफाई इसको आप लैन पोर्ट के थ्रू भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं। चाहोगे 20 दिन 50 दिन। तो आज मैं आपके लिए दिखाता हूँ इसके पूरी इंस्टॉलेशन, वीडियो में तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी दूंगा आपके लिए कैसे इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फ़ोन पे कैसे ऐड करते हैं। तो बने रहिएगा मेरी एंड तक पूरी वीडियो में। हाँ, वह हमने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया। स्क्रू हमने इसके बाहर निकाले हैं, इसका अडाप्टर हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसके साथ हम आपको इसका फ्रंट दिखाते हैं। ये इसका QR कोड डाउनलोड करने के लिए होता है। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए आता है। ईजी कैम प्लस इसकी एप्लीकेशन होती है, सीपी प्लस का ब्रांड है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका मॉडल नंबर। ये 2-way talk के साथ आता है। और ये देखिए इसके सामने से फ्रंट बॉक्स इसका रहता है। ओरिजिनल मंगाया हमने ये, तो दरअसल हमने ये ऑनलाइन परचेज किया था। तो अब आज हम इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आए हैं। तो आप बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ और अब नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे आपके लिए हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। ये इसके साथ इसका यूजर मैनुअल भी आता है, जिसे आप किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से ऐप को इंस्टॉल करना है, किस तरीके सारी जानकारी होती है इस पर। अगर आप देखना चाहें तो, अगर समझने के लिए आप चाहेंगे तो समझ जाएंगे आसानी से। तो जैसे लोग यूजर मैनुअल को करते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसे ही फाड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो यूजर मैनुअल को पढ़ेंगे। ये इसका सिम स्लॉट दिखाता हूँ मैं आपके लिए। ये इसका चिप स्लॉट है, ये इसका चिप स्लॉट है। इसमें चिप लगाने के लिए ऑप्शन होता है। एक्चुअली क्या, आज मेरा कैमरे लड़का नहीं आया था, इसलिए मुझे अपने खुद के हाथों से वीडियो बनानी पड़ी। अब हम इसको इंस्टॉल करने के लिए रेडी होते हैं। अब धीरे से हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे। अभी हो गए हम सीढ़ी पर चढ़ने के लिए रेडी। अब ये तार हो चुके हैं, अब खराब लगाएंगे पावर के तार और ये कैमरा इंस्टॉलेशन करने के लिए हो जाएंगे रेडी। अब इस बने रहिएगा भैया वीडियो में। आपको पूरी वीडियो, पूरी कैमरे की पूरी जानकारी दूंगा ताकि आप वीडियो को देखते रहें, ठीक है ना। ये PTZ कैमरा होता है सीपी प्लस का। तो अब हमने पावर ऑन कर दिया, अब इसको इंस्टॉल करेंगे। हमने मार्क पहले से कर लिया, ड्रिल मशीन चला कर हैमर को चलाएंगे और अपने होल्स करेंगे। ये 1-2 hole का स्टैंड होता है, 2 hole पे टंग जाता है। इसको हम दोनों होल करेंगे। इसके ये हमारा होल का काम चालू है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। ये हमने 2 holes कंप्लीट हो चुके हैं, 4 hole करने पड़ते हैं इसके लिए। हमारा होल्स का काम कंप्लीट हो चुका था। अब डालेंगे इसमें गिट्टी। गिट्टी डालने के बाद हम कैमरे को कसेंगे पेचकस से। पेचकस से कसने के बाद हम मोटर टाइट करेंगे और उसको टाइट करने के बाद दीवार पर लगा दिया हमने इसको। फेस ग्रूट कर रहे टाइट ताकि अच्छे से फिनिशिंग रहे इसकी। इसके बाद मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाता हूँ किस तरीके से हम कैमरे को लगाते हैं, लाइव लोकेशन ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन रहते हैं इसमें, क्या करना, कैसे कैसे होता है, मैं इसको पूरी जानकारी दूंगा। अब आएंगे हम इसको, ये हमने इंस्टॉलेशन अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आएंगे हम अपने फ़ोन के मोबाइल ऐप पर। तो किस तरीके से हम इसको वो करते हैं तो आपको पूरी जानकारी देता हूँ और क्या इसकी क्वालिटी रहती है। हल्ला हो गया हमारा जूम करने का। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। धन्यवाद, दूसरी वीडियो जल्दी।